हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इससे पहले जो हमारा पार्ट वन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर, जिस पर हमने काफी बेसिक चीजें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस की हैं, उसको एक बार अच्छे से देख लें ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ओपैम्प के बारे में। ठीक है, ओपैम्प की काफी सारी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब डिफाइन की थी हमने। ठीक है, तो अब इसकी कुछ लीनियर एप्लीकेशन होती है। ठीक है, लीनियर एप्लीकेशन मतलब इंटीग्रेटर में और आपके डिफरेंशिएटर में कुछ बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन होती है। तो उसमें पहला जो है वो है हमारा बफर एम्पलीफायर। ठीक है, अब बफर एम्पलीफायर क्या होता है? ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरा फिगर में मैंने आप ये शो किया हुआ है। ठीक है, ये आपका फीडबैक सिस्टम है, फीडबैक लगा हुआ है, यहाँ से इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, जनरली मैंने क्या है कि जो मेरी इन्वर्टिंग टर्मिनल की इनपुट है वो डायरेक्टली आउटपुट पे आके कनेक्ट करवा दिए। ठीक है, तो जनरली बफर एम्पलीफायर की अगर मैं बात करूं तो आपसे इसके बफर एम्पलीफायर के लिए जो गेन होता है, ठीक है, यानी कि जो गेन होता है बफर एम्पलीफायर का, गेन फॉर द बफर एम्पलीफायर, ठीक है, इसके लिए कंडीशन होती है वो होता है आपका वन। ठीक है, गेन जो होता है वन होता है। तो इससे क्या मेरे को मिल जाएगा, वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू वन मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के इक्वल है तो यहाँ से स्टेटमेंट निकल के ये आता है कि ड्यू टू हाई इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि हाई इनपुट रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है, और यूनिटी गेन के कारण, ठीक है, और आपका लो आउटपुट रेजिस्टेंस के कारण, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या, हाई इनपुट रेजिस्टेंस होगा और लो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा और यूनिटी गेन होगा, ये जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है। तो अगर कोई ऐसा एम्पलीफायर है आपके पास या इस टाइप का कोई सर्किट है आपके पास तो उसको मैं बफर एम्पलीफायर कहूंगा। ठीक है, जनरली इसमें आपको ध्यान ये रखना है वो एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर जिसका गेन वन हो, इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो और आउटपुट रेजिस्टेंस लो हो, तो उसको मैं बफर एम्पलीफायर कहूंगा या फिर आइसोलेशन यूनिट भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो जनरली बफर एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है इनपुट सिग्नल की लोड के साथ में, यानी कि जनरली ये कह सकते हैं कि अगर आपका किसी एक पार्ट में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं तो उसको दूसरे पार्ट में ये जाने से प्रिवेंट करेगा, यानी कि रोकेगा, क्योंकि एक टाइप का आइसोलेशन प्रोवाइड करा रहा है। तो एक इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है। होप कि ये जो बफर एम्पलीफायर है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा समर और एडर। ठीक है, समर और एडर जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या काम करेगा, एड करेगा या सम करेगा। ठीक है, तो जनरली क्या कह सकते हैं आप, समर और एडर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए मेरा V1 सिग्नल है, ये V2, V3 और V4 सिग्नल मैं इनपुट यानी के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आपके ऐड करा रहा हूँ, और ये आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू फीडबैक नेटवर्क है और मेरा जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, इसको ग्राउंड पे मैंने किया हुआ है, जीरो वोल्ट पे यहाँ पे इसको करा हुआ है, यहाँ से आउटपुट मिली है। तो जनरली इसके केस में जो आउटपुट मिलेगी आपकी, यानी कि वी नॉट जो मिलेगी आपकी, उसके लिए आप ध्यान रखें वो होगी माइनस आर एफ, यानी कि जो आपकी ये आउट जो फीडबैक रेजिस्टेंस है आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी ए प्लस आर एफ अपॉन आर टू इंटू वी टू, वी टू या वी ए अगर हम यहाँ पे ए बी सी देंगे और ये वी वन हो जाएगा आपका, और इसी तरीके से आपका ये होगा आर एफ अपॉन आर थ्री इंटू वी थ्री प्लस
जितने भी सिग्नल्स मतलब आप ऐड कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से डिनोट होंगे, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो अब आता है कि अगर सपोज कीजिए आपका R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू RF, यानी कि आपका जो ये फीडबैक रेजिस्टेंस है और R1, R2, R3, R4 इन सब की वैल्यू इक्वल हो जाए, अगर इक्वल हो जाएगी तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो मुझे क्या स्टेटमेंट मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो मुझे किसके इक्वल मिलेगा, माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, यानी कि जो मेरा आउटपुट है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल मिलेगा, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इन्वर्ट मिलेगा सिग्नल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, और यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछ लेता है। जनरली एक सर्किट दे देगा तो भी पूछ सकता है कि ये किस चीज को शो करता है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटर, ठीक है। इंटीग्रेटर क्या है, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है इंटीग्रेट करेगा, सो इंटीग्रेटर क्या है, इंटीग्रेटर एक बेसिकली सर्किट है जिसमें जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म होती है वो इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म की इंटीग्रल होती है, ठीक है। यानी कि इनपुट से अगर मैं कोई वेवफॉर्म अप्लाई करता हूँ या कोई सिग्नल अप्लाई करता हूँ तो आउटपुट पर जो मेरे को सिग्नल मिलेगा वो इसका इंटीग्रल मिलेगा, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें जो फीडबैक पाथ है आपका, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि फीडबैक पाथ जो है, फीडबैक पाथ में मैंने कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया है, तो याद रखने के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि फीडबैक पाथ में कैपेसिटर होता है और आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पर मेरी इनपुट अप्लाई होती है, जबकि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको मैंने ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, और ये सब आपको पता ही है कि सप्लाई में जो टर्मिनल्स होते हैं मेरे यहाँ पर उनसे प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन सिग्नल में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो आपको ध्यान एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, कई बार पूछ लेता है कि सर्किट आपको दिया हुआ होगा ये, और पूछ लेगा कि आपको कि ये किस चीज का सर्किट है, इंटेग्रेटर का है, डिफरेंशिएटर का, कंपैरेटर का है, हेडर है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो एक तो आपको ध्यान ये रखना है, दूसरा जो मेरा बनता है क्वेश्चन वो है डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इस केस में, आउटपुट वोल्टेज यानी कि V0 कितना होगा आपका, वो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। आउटपुट वोल्टेज जो होता है V0 इज इक्वल टू माइनस के 1/RC, R ये वाला कैपेसिटर, ये वाला रजिस्टर और C ये वाला कैपेसिटर, यानी कि माइनस के 1/RC इंटीग्रेशन 0 to t, ठीक है, इंटू VI, यानी कि इनपुट वोल्टेज को ही तो इंटीग्रेट कर रहा हूं ना मैं, DT प्लस A, ठीक है। ए क्या है आपका, यहाँ पर गेन नहीं है, इसको ए को गेन मत समझिएगा, ए क्या है आपका, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, गेन वो अलग है मेरा, ठीक है। और बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, V0 इज इक्वल टू माइनस के 1/RC 0 to 2 VI dt, ठीक है। अब इसको बता देता हूँ, सपोज कीजिए मेरा जो इनपुट सिग्नल है, ठीक है, जो मेरा इनपुट सिग्नल है VI ऑफ टी, ये कोई मैं अपना डीसी सिग्नल अप्लाई करता हूँ इस पर, डीसी सिग्नल या इसको स्टेप इनपुट भी कहते हैं, इनपुट पर अप्लाई किया तो इंटीग्रेटर के आउटपुट पर मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेटर के आउटपुट पर मुझे रैंप सिग्नल मिलेगा, ठीक है, इंटीग्रेटर के आउटपुट पर मुझे रैंप सिग्नल मिलेगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम कंट्रोल सिस्टम में डिस्कस करेंगे, बस जस्ट यहाँ पे याद रखें कि अगर मैं डीसी इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ तो आउटपुट पर इंटीग्रेटर के मुझे रैंप इनपुट, रैंप आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली इसका फंडा है, होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मेरा डिफरेंशिएटर, ठीक है। डिफरेंशिएटर क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, डिफरेंशिएटर एक वो सर्किट है जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलती है, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म जो मिलती है वो इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म के डिफरेंशियल फॉर्म में मिलती है, ठीक है। यानी कि आउटपुट जो है वो इनपुट का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो फीडबैक पाथ है उसमें रेजिस्टर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, और जो कैपेसिटर है वो आपका इनपुट वोल्टेज के साथ सीरीज में अटैच किया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में दोनों में सिंपली फर्क यही है कि यहाँ पर इंटीग्रेटर में कैपेसिटर यहाँ पर होता है, रेजिस्टर यहाँ होता है, और डिफरेंशिएटर में रेजिस्टर यहाँ पर है और कैपेसिटर यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। बाकी जो इनपुट है वो आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही अप्लाई होगा और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपको ग्राउंड पे कनेक्ट करना है, ठीक है, ये इसमें जो सिंपल कुछ बातें हैं। और इसमें अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं, ठीक है,
दूसरा जो मेरा फैक्टर बनता है वही है आउटपुट वोल्टेज, यानी कि वीओ कितना होगा, वी नॉट कितना होगा, वो होगा आपका माइनस आरसी, आरसी वही रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, माइनस के आरसी इंटू डी अपॉन डीटी ऑफ वीआई, ठीक है, यानी कि इनपुट का आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। होप कि ये वाला जो फॉर्मूला है आपको समझ में आएगा, इसको आप ध्यान से याद कर लें ताकि एग्जाम में अगर पूछ ले कि डिफरेंशिएटर की आउटपुट क्या होती है तो आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर पाएं, ठीक है। तो अगर अब इस पे मैं सेम एग्जांपल ले सकता हूँ कि इस पे मैं रैंप इनपुट अप्लाई करता हूँ, ठीक है, यानी कि रैंप इनपुट अप्लाई करता हूँ अगर डिफरेंशिएटर के इनपुट पर, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगी, आउटपुट मुझे डीसी वोल्टेज मिलेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जस्ट इंटीग्रेटर का उल्टा आपका होता है, ठीक है। होप कि ये जो कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर का ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर जनरली एक सर्किट है जो एम्पलीफाई करता है डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस, ठीक है, ध्यान ये रखना है, डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस। तो डिफरेंस क्या होगा, यानी कि अगर सपोज कीजिए मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर भी दोनों वोल्टेजेस या दोनों सिग्नल अप्लाई किए हैं, तो इसके आउटपुट पर मुझे इनके डिफरेंस का एम्पलीफिकेशन मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, इसमें एक सर्किट ओपैम्प है, फीडबैक नेटवर्क में मैंने फीडबैक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं, और जो इनपुट वोल्टेज है वो V1 और V2 है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो आपको ध्यान ये रखना है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये जिसको मैं डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोलता हूँ, इसका जनरली काम क्या है कि एम्पलीफाई करता है डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस, ठीक है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकता है वो है इसके आउटपुट वोल्टेज के ऊपर। सो आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज किसके लिए, डिफरेंशियल आपकी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, उसको मैं बोलता हूँ वी नॉट इज इक्वल टू होगी आपकी आरएफ, यानी कि जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, आरएफ अपॉन आर1 इनटू V2 माइनस V1, ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज आपका इस फॉर्म में मिलेगी। आरएफ अपॉन आर1 आपको पता लगी क्या होगा, आर1 क्या है आपका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल का रेजिस्टेंस है, और आरएफ क्या है फीडबैक रेजिस्टेंस, और V2 आपका जो मैं से वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और V1 क्या है आपका जो मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, इसीलिए निगेटिव है, ठीक है। सो इसमें इससे ज्यादा BSNL TTA एग्जाम के लिए इससे ज्यादा कुछ और नहीं बनता है। सो आपको होप करता हूँ कि ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट है काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरा, नेक्स्ट है मेरा सबट्रैक्टर, ठीक है। सबट्रैक्टर बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, सबट्रैक्ट करता है, जैसे हमने एडर पढ़ा था, सो ये सबट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर इसके अगर आप सर्किट को देखेंगे, सो ये बेसिकली एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही है, जैसे जो आपने अभी प्रीवियस हम पढ़ के आए हैं कि ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, लेकिन यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यूज सेम कर दी है, यानी कि जो फीडबैक रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू आर है, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर रेजिस्टेंस था वो भी आर है, नॉन इन्वर्टिंग पर भी आर है, और ये ग्राउंड पर एक रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू भी आर है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट थी, यानी कि वी नॉट जो थी वो क्या थी आपकी, आरएफ अपॉन R1 ब्रैकेट में था V2 माइनस V1, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए मैं V2 इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर V1 इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ, सो ये होगा V2 माइनस V1। अब मैंने क्या कह रहा हूँ कि मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यूज सेम कर दी, यानी कि RF इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R कर दिया है, सो V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, R अपॉन R V2 माइनस V1, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो V0 यानी कि आउटपुट वोल्टेज मेरे को क्या मिलेगा, V2 माइनस V1, यानी कि इनके बीच को सबट्रैक्शन, यानी कि जब भी मुझे सबट्रैक्ट करना होगा दो सिग्नल्स को, तो मैं सबट्रैक्टर का यूज करूंगा, ठीक है। होप कि ये भी कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है मेरा वो है कंपैरेटर, ठीक है। अब कंपैरेटर की अगर बात करूं तो कंपैरेटर एक ऐसा सर्किट है जो यूज किया जाता है दो वोल्टेजेस को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता है, दो वोल्टेजेस को कंपेयर करने के लिए, और ये बेसिकली आउटपुट पर क्या प्रोवाइड कराता है, मतलब बेसिकली इंडिकेट करता है कि जो दो वोल्टेजेस जिनको मैं कंपेयर कर रहा हूं उनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है।
तो इसमें बेसिकली क्या है कि मैं इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ आपका जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, कोई इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर मैं रेफरेंस वोल्टेज, यानी कि रेफरेंस वोल्टेज का मतलब आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टेड है, डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या बेसिकली करेगा कि इन दोनों के बीच में आउटपुट पर मुझे रिलेशन बताएगा कि वी इनपुट में और वी रेफरेंस में बेसिकली इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो जनरली इसका अगर सपोज कीजिए ये मेरी इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है आपकी इनपुट वेव फॉर्म है, साइन वेव है, और ये वी रेफरेंस यानी कि डीसी इनपुट है, तो ये जनरली मेरे को इसमें आउटपुट पर क्या बताएगा कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर आप इसके सर्किट को देखें सो इसमें आप देखेंगे कि कोई भी फीडबैक पाथ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि कंपैरेटर में कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता है, ठीक है। सो होप कि कंपैरेटर का कॉन्सेप्ट भी आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली अगर आप कह लें कि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस बनते हैं 70-80% वो इन्हीं पर से बनते हैं, वो है ओपैम्प पैरामीटर्स, ठीक है, ओपैम्प पैरामीटर्स की अगर बात करूं मैं तो पहला आता है इसमें इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बेसिकली आपका क्या है कि सपोज कीजिए आपका ये ओपैम्प है, ठीक है, और ओपैम्प में जनरली क्या होता है, मैंने आपको आइडियल ओपैम्प का जब हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट वन में उसमें मैंने बताया था कि किसी भी आइडियल ओपैम्प के लिए अगर मेरी इनपुट जो वोल्टेज है अगर वो जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज भी जीरो होनी चाहिए, यानी कि इनपुट अगर जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगी, तो वो आइडियल ओपैम्प कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली होता क्या है, कुछ सर्किट में जो इम्बैलेंसेस होते हैं उनके कारण ऐसा नहीं होता है, तो मुझे क्या करना पड़ता है आउटपुट जीरो लेने के लिए, ठीक है, यानी कि आउटपुट जीरो लेने के लिए मुझे इनपुट की कुछ वैल्यूज देनी पड़ती हैं, ठीक है, सर्किट इम्बैलेंसेस में। अब सपोज कीजिए यहाँ पर यानी कि ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पर मेरी कोई कुछ छोटी सी वैल्यूज जो है वो मैंने प्रोवाइड करा दी है, बैटरी कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है VDC2, ठीक है। सिमिलरली जो आपका ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर भी मैंने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी है, इसकी वैल्यू मान लीजिए VDC1, ठीक है। सो जनरली क्या है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या है कि जो प्रैक्टिकली मैंने बताया ना आपको कि अगर मुझे जीरो आउटपुट चाहिए तो कुछ डिफरेंशियल इनपुट देना पड़ता है, ठीक है, तो ये जो स्मॉल डिफरेंशियल इनपुट होता है इसी को इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहता हूँ। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मैथमेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIO इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो होता है वो क्या है VDC1 - VDC2, ठीक है, ये आपका है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। जनरली क्या है कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा ना ये, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज जो इनकी होंगी ताकि मुझे सर्किट पे आउटपुट मिल जीरो मिल सके, तो वो मेरा क्या है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है। होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है मेरा वो है इनपुट ऑफसेट करंट एंड बायस करंट, ठीक है। सो जनरली आइडियल ओपैम्प के लिए होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ओपैम्प ही एक, ठीक है, ये मेरा ओपैम्प है 741 IC, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। और सपोज कीजिए कि जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल में मेरी करंट फ्लो हो रही है IB1 और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में करंट फ्लो हो रही है IB1 और इन्वर्टिंग टर्मिनल में करंट फ्लो हो रही है आपकी IB2 और ये मुझे मिल रहा है यहाँ से मेरे आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। सो जनरली आइडियल ओपैम्प के केस में क्या होता है जो IB1 है और IB2 है इनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स में जो करंट फ्लो हो रही है आइडियल केस में उन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कुछ सर्किटरी इम्बैलेंसेस के कारण इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं होती है, ठीक है, इनकी वैल्यूज इक्वल नहीं होती है, ठीक है। सो इनके बीच के अल्जेब्रिक डिफरेंस को जो करंट फ्लो हो रही है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनके बीच के डिफरेंस को ही मैं इनपुट ऑफसेट करंट कहता हूँ, ठीक है। मैथमेटिकली अगर मैं समझाना चाहूँ तो IIO यानी कि इनपुट ऑफसेट करंट जो होगी वो क्या होगी अल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द करंट्स
फ्लोइंग इन देयर रेस्पेक्टिव टर्मिनल्स, ठीक है, यानी कि IB1 माइनस IB2, ठीक है, ये IB1 आपको बता दिया है जो करंट फ्लो हो रही है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, और IB2 क्या है जो करंट फ्लो हो रही है आपकी इन्वर्टिंग टर्मिनल में, ठीक है। होप कि जो इनपुट ऑफसेट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा मेरा क्या है, दूसरा है आपका बायस करंट, ठीक है। बायस करंट क्या है, जनरली बेसिकली बायस करंट क्या है, एवरेज करंट है जो फ्लो हो रही है आपकी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, ठीक है। मैथमेटिकली अगर बात करूं तो IB, अगर मैं इसको कहूं बायस करंट जो होगी, तो एवरेज पता है आपको कैसे निकालते हैं, IB1 यानी कि जो करंट फ्लो हो रही है आपकी नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल प्लस IB2 अपॉन 2, ठीक है। तो IB की वैल्यू यानी कि बायस करंट की वैल्यू आपकी ये होगी, जहां पे IB1 और IB2 का आपको पता है जो करंट फ्लो हो रही है आपकी नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल में, IB2 क्या है जो करंट फ्लो हो रही है आपकी इनवर्टिंग टर्मिनल में, ठीक है। होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है इनपुट ऑफसेट करंट का और बायस करंट का, ये आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में कभी फॉर्मूले पे तो कभी न्यूमेरिकल पे इससे क्वेश्चन आ जाता है एक आध, ठीक है। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके पीछे से काफी क्लियर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है मेरा है स्लू रेट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में अगर मैं कहूँ ओपैम्प के क्वेश्चन आते हैं तो 70-80% क्वेश्चन सिर्फ इसी पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। वो है आपका स्लू रेट, ठीक है। तो स्लू रेट जनरली होता क्या है आपका, स्लू रेट की अगर मैं बात करूं, स्लू रेट क्या होता है आपका, सो मैथमेटिकली अगर, या पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, स्लू रेट क्या है कि अगर आपका आउटपुट वोल्टेज में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी कि आपको मैथमेटिकल अगर मैं बताऊं स्लू रेट क्या होता है, तो स्लू रेट होगा SR = dV0, यानी कि आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज में टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, वो आपका स्लू रेट कहलाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है आपकी VP × ओमेगा। वीपी और ओमेगा का मैं आपको बता रहा हूँ, वीपी क्या है आपका, ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा आपको पता है आपका, ओमेगा क्या होता है आपका, 2πf, जहां पर f क्या है आपकी, इनपुट फ्रीक्वेंसी है, वो भी हर्ट्ज में, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप नोटेशन ध्यान दें, याद करें उसको, उसकी यूनिट के साथ में याद करें, क्योंकि BSNL TTA एग्जाम के लिए फिजिक्स में आपका एक टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला, वो भी साथ साथ आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक है। सो आप इसका फॉर्मूला जनरली ये ध्यान रखें कि स्लू रेट होता क्या है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फर्दर और एक्सपेंड करता हूं मैं आपका, सो ये VP ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, 2πf × VP, ठीक है। और 2πf × VP क्या होगा आपका, ये इसकी जो यूनिट होती है वो होती है volt/s, ठीक है, volt/s, ठीक है। और इसको जनरली मैं एक और फर्दर कर सकता हूँ, 2πf VP/10⁶ volt/μs, ठीक है। सो क्योंकि इसको जो मैं स्लू रेट को डिनोट करता हूँ वो वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में ही डिनोट करता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, वोल्ट पर माइक्रोसेकंड में डिनोट करता हूँ, यानी कि पर माइक्रोसेकंड आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है, ये जनरली बताता है इसकी यूनिट से, वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। होप कि जो स्लू रेट का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, या जिसे कहते हैं CMMR, ठीक है। सो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMMR क्या होता है, सो द रेशियो बिटवीन डिफरेंशियल वोल्टेज गेन टू कॉमन मोड वोल्टेज गेन इज डिफाइंड एज द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। अब सबसे पहले कॉमन मोड की बात कर लेते हैं, तो सपोज कीजिए ये कोई एम्पलीफायर है आपका, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और जो इनके इनपुट पर है वो मुझे कॉमन वोल्टेज देनी है, ठीक है, कॉमन वोल्टेज मेरे को देनी है, तो कॉमन वोल्टेज को मैं डिनोट करता हूँ VCM कॉमन वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ से मुझे आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। सो मैंने क्या बताया आपको, CMMR = क्या होता है आपका, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन जिसको डिनोट करते हैं AD से, अपॉन
कॉमन मोड वोल्टेज गेन जिसको डिनोट करते हैं ACM से, ठीक है। और जहां पर AD और AC इन दोनों को भी डिफाइन कर देता हूं, सो AD या डिफरेंशियल वोल्टेज गेन इज इक्वल टू होता है आपका V नॉट अपॉन VID, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज, और ACM यानी कॉमन मोड वोल्टेज गेन कितना होगा आपका VOCM, यानी कि अगर मेरी आउटपुट पे यहाँ पे ये आपकी ये क्या मिलेगी VOCM ही मिलेगी ना, ठीक है, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज यानी कि VCM, ठीक है। जनरली क्या है आपका, जब भी आपका एग्जाम में आएगा तो आपको AD और AC की वैल्यू दी हुई होगी और CMMRE आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। ये बहुत कम होता है कि AD और AC आपको कैलकुलेट करने पड़े, जनरली AD और ACM की वैल्यू आपको दी हुई होगी तो CMMR आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, ठीक है। जनरली होता क्या है आपका, AD की वैल्यू काफी ज्यादा होती है और ACM की वैल्यू कम होती है, इसीलिए आपका जो CMMR है उसकी वैल्यू भी काफी हाई होती है, ठीक है। सो इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, वो है आपकी कि इन जैसे कि मैंने आपको आइडियल ओपैम्प में बताया था कि आइडियल ओपैम्प के लिए जो CMMR की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान रखें, CMMR जो है जनरली डेसिबल में डिनोट किया जाता है, तो CMMR अगर मैं डेसिबल में डिनोट करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, वो होगा 20 log बेस में 10 AD बाय ACM, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इस पर आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जनरली हमारा ओपैम्प के बारे में सभी कुछ था, हमने मोस्टली जितने कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे क्लियर करने की कोशिश की है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से JTO हो या BSNL JEE एग्जाम का हो या और भी कोई एग्जाम हो, मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इन्हीं टॉपिक पर बन सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं 90-95% या मोर देन 95% क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। होप कि कॉन्सेप्ट जो है आपको काफी क्लियर हुए होंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। होप कि आप हम इस वीडियो पर हम मोर देन 100 लाइक्स हम प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। सो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।